सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी नई और ताजा वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हकीम अजमल खान में। उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत होंगे। दोस्तों आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज एक ऐसा तरीन बेहतरीन नुस्खा बताऊँगा कि अगर आप इस नुस्खे को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर ले आते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे हजरात जिनके मैसेज आए हैं अपनी कमज़ोरी के हवाले से, ताकत को अपने अंदर बहुत कम महसूस कर रहे हैं, अपनी अहलिया से घबराते हैं, या जिन लोगों की शादी नई नई हुई है, जिनका मादा मनी बहुत पतला हो चुका है, तो ऐसे काफ़ी लोगों के मैसेज हैं। इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करें, ये सारी दिक्कत परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही ये आपके जिन हजरात की डाइजेशन, पेट की परेशानियाँ चल रही हैं, एसिडिटी या गैस वगैरह की दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए भी बहुत मुफीद ये नुस्खा है। साथ ही ये नज़ला, बुखार, खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काली खांसी तक के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी नई और ताज़ा वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि वीडियो मुकम्मल अगर वॉच करेंगे तो मैं वीडियो में बहुत सारी नुस्खे से रिलेटेड बातें बताता हूँ, अगर आप एक भी बात मिस कर देंगे तो आप नुस्खे का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि नुस्खे को बनाने से लेकर उसको इस्तेमाल करने तक, साथ ही उसमें परहेज़ क्या करना है, सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको परहेज़ क्या करना है। देखिए इसमें आपको परहेज़ गर्म चीज़ों का करना है, ठंडे पानी का, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड वगैरह का, इन सभी चीज़ों का आपको इसमें परहेज़ करना है। और जब तक ये नुस्खा इस्तेमाल कर अपनी अहलिया से दूरी बनाकर रखें। शादीशुदा जो हजरात हैं हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 दिन इसका अगर इस्तेमाल करें तो 20 दिन दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उसके बाद आपको दिखेगा कि हाँ वाकई में इसका असर है। तो ये तो एक वो एक मैंने बता दिया कि परहेज़ क्या करना है। इसके साथ ही दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो इस नुस्खे का इस्तेमाल ना करें, लो ब्लड प्रेशर वाले इसका इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मुफीद है। तो देखिए चलिए अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे में आपको लेना क्या है, नुस्खे में आपको सबसे पहले 10 तोले आपको इसमें दालचीनी लेनी है, इसके बाद आपको 5 तोले लेनी है राई, इसके बाद आपको 5 तोले लौंग लेनी है, और इसमें 100 ग्राम आपको एप्पल का जूस लेना है जो बिल्कुल फ्रेश हो, जो आपने निकाला हो, बाज़ार से एप्पल का जूस ना लाएं, एक फ्रेश एप्पल लें और उसका 100 ग्राम आपको दो जूस निकालना है। इसके बाद आपको इसमें एक तोला जाफरान लेनी है। अब हम नुस्खे की तरफ आते हैं, इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहले जो एप्पल है 100 ग्राम, उसमें जाफरान को डाल दें और कम से कम एक घंटे तक उसको डाले रखें। इसके बाद आपको इन सभी चीज़ों का, राई का, दालचीनी का, लौंग का, इनका पाउडर बना लेना है, बिल्कुल बारीक शफूफ कर लेना है। और इसके बाद आपको करना क्या है कि धीरे धीरे आपको इसमें एप्पल का जूस मिक्स करना है और इसको मिलाते रहना है अच्छी तरह। तो जब ये आप इस तरह मिलाते रहेंगे तो ये आपको गोली की आपको एक हार्ड पाउडर के उसमें मिलेगा, तो इसकी आपको फिर गोलियां बनानी हैं। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको इसकी चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है और इन गोलियों का इस्तेमाल अपनी आपको करना है। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम एक एक गोली बनानी है। देखिए गोली का साइज ज़्यादा बड़ा ना हो, चने के दाने के बराबर ही हो, तो इतनी गोली बनाकर 3 टाइम इसका इस्तेमाल करें पानी के साथ। इंशाल्लाह आपके अंदर इतनी ताकत ये पैदा करेगा, इतनी अच्छी आपकी सेहत को करेगा कि आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि हाँ वाकई में कोई नुस्खा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।